हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक फार्माकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण अपरेटस है, उपकरण है, जिसका नाम है कुक पोल क्लाइंबिंग अपरेटस। तो सबसे पहले हम इस कुक पोल क्लाइंबिंग अपरेटस के जनरल कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले एक लाइन में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस अपरेटस का उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो इसका एक लाइन में है कि एंटी साइकोटिक ड्रग के इवैल्यूएशन के लिए इस अपरेटस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में साइकोफार्माकोलॉजी के अंतर्गत मेजर ट्रंकुलाइजर और माइनर ट्रंकुलाइजर होता है, और मेजर ट्रंकुलाइजर का एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होंगे क्लोरप्रोमाजिन। तो क्लोरप्रोमाजिन जैसे ड्रग का अगर हमें इवेलुएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो इसका मूल्यांकन कुक पोल क्लाइंबिंग अपरेटस की सहायता से किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस अपरेटस को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वन बाई वन हम डिस्कस करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कुक पोल क्लाइंबिंग अपरेटस। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल एनिमल। एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में इसमें चूहा लिया जाता है, रैट या माइस का लें वो लिया जाता है। तीसरा है ड्रग्स। तो ड्रग इसमें दो तीन प्रकार का ड्रग होता है, जैसा कि हम अभी बताएं एंटी साइकोटिक ड्रग का इवेल्यूएशन कर रहे हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग जैसे हम जामुन बताएं क्लोरप्रोमाजिन, वो ड्रग रहेगा। साथ साथ इस ड्रग का कंपेरिजन अन्य ड्रग के साथ भी कर सकते हैं। सिडेटिव हिप्नोटिक एक चैप्टर है, तो सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग चाहे डाइजेपाम लोराजेपाम जो है, चाहे बेंजोडाइजेपिन ग्रुप्स का है, तो उसका साथ इसका किस तरह से रिस्पांस में अंतर आता है ये भी कंपेरिटिवली स्टडी किया जा सकता है। तीसरा नॉर्मल सलाइन सोलूशन है, और अन्य जो ड्रग्स मटेरियल जो है वो है हमें इंट्रापेरिटोनियल, उसे एनिमल जो है रिक्वायर्ड एनिमल उसको इंजेक्ट करना होता है, तो उसके लिए इंजेक्शन जो है वो डिजायरेबल है, तो हमें इतना ऑपरेटर चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक बॉक्स आकार के जो है ऑपरेटर है, इसके बीच में एक चैम्बर है। इस चैम्बर में यहाँ देख रहे हैं कि एक बीच में चैम्बर के मध्य में एक पोल है, लकड़ी का बना हुआ पोल है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम रैट या माइस का प्रयोग करेंगे तो इसी चैम्बर को खोल के इस चैम्बर के अंदर डालेंगे। तो इस चैम्बर में बीच के मध्य में पोल एक है लकड़ी का बना हुआ, और इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है पोल क्लाइंबिंग अपरेटस। क्लाइंब करने का मतलब चढ़ना होता है, तो यहाँ एनिमल इस पोल पर चढ़ेगा, उसका उद्देश्य हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये पोल क्लाइंबिंग अपरेटस का ये पार्ट हुआ ढक्कन। इस ढक्कन को हटाया, ढक्कन को हटाकर अब यहाँ इसके अंदर के जलाशय देखा जाए, ये बॉक्स चैम्बर है। इसी चैम्बर में चूहे को यहाँ डाला जाएगा। जब चूहे को डाला जाएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बेस पर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड बना हुआ है। तो जब हम ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे, कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, हम अभी जस्ट आपको बता रहे हैं। तो जहाँ भी इस बेस पर चूहा या माइस रन करेगा, घूमेगा, टहलेगा, तो उसे जो है इलेक्ट्रिक शॉक अनुभव होगा जहाँ कहीं भी घूमेगा। लेकिन उसका सेफ पॉइंट है ये पोल। अगर वो चूहा इस पोल पर उससे बचने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, अगर वो चूहा इस पोल पर चढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच जाएगा। तो ये अंदर के चैम्बर की बनावट का वर्णन हो गया। अब हम आगे की ओर जो डिस्प्ले बोर्ड है, जो आगे की ओर बोर्ड ऑपरेटिंग बोर्ड है, उस बोर्ड में क्या क्या चीज़ है इसके बारे में हम आपको वन बाई वन बताने जा रहे हैं। देखिए, हमें जैसा कि अभी बताएं कि इसमें हमें एनिमल को इलेक्ट्रिक शॉक देना होता है। इलेक्ट्रिक शॉक देने के तरीके जो यहाँ बाई वन वन हम बताएंगे। देखिए, ये बोर्ड है। इस बोर्ड में ये जो नोब है
इस नोब में टाइमिंग है, कितना सेकंड तक शॉक लगेगा। तो जैसे कि हम इसको 5 पर सेट है, इसका मतलब 5 सेकंड तक शॉक लगेगा ऑटोमेटिक पर। इस मोड पर अगर करेंगे तो 5 सेकंड तक उसको शॉक लगेगा। तो ये टाइम सेट करने का है। अब यहाँ देखिए, ये मैनुअल लिखा हुआ है, इधर ऑटो लिखा हुआ है। ये ऑटो लिखा हुआ है, ये मैनुअल लिखा हुआ है। तो इस नोब को अगर मैनुअल पर कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये ऑन है यहाँ, तो मैनुअल पर अगर कर देते हैं और इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखिए शॉक लग रहा है। और जितना देर तक आप घड़ी देखिए, चूँकि मैनुअल है तो घड़ी जितना टाइम तक 5 सेकंड 10 सेकंड आप करेंगे तो उस एनिमल को शॉक लगेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इस नोब को ऑटो पर कर देते हैं तो इसका मतलब है अब यह ऑटो मोड पर हो गया। ऑटो मोड पर करने के बाद जो है यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, हम डिले पर कर दिए, तो डिले पर करने का मतलब हुआ कि जो सेटिंग यहाँ है, जैसे यहाँ भी 5 पर, ये नोब जो है 5 पर है, तो जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो 5 सेकंड तक जो है उसे शॉक लगेगा ऑटोमेटिक, उसके बाद अपने आप स्वतः बंद हो जाएगा। और अगर इस नोब को हम रेडी मोड पर कर देंगे और उसका रेडी मोड पर कर देंगे तो हम जितना देर तक प्रेस करेंगे उतना देर तक शॉक लगेगा। तो वो घड़ी के हिसाब से 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी रिक्वायर्ड है उतना देरी तक हम कर सकते हैं। अब इसका तीसरा जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। इस फंक्शन को जानने से पहले ये चीज़ जानना है कि स्टिमुलस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक लाइट द्वारा स्टिमुलस होता है, एक साउंड द्वारा होता है। तो यहाँ हम अभी देख रहे हैं कि स्टिमुलस का ये जो नोब जो है, यहाँ साउंड लिखा हुआ है, यहाँ साउंड, और ये नोब साउंड की तरफ है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक आवाज़ उत्पन्न हो रहा है, वो आप अनुभव कर सकते हैं। देखिए, एक ब्यूजर आवाज़ साउंड। तो जितना देर तक प्रेस रखेंगे उतना देर तक साउंड होगा, और साउंड होने के बाद जितना आपने सेट किया है, 5 सेकंड सेट किया है, तो 5 सेकंड के बाद उसे शॉक लगेगा। ये चीज़ हो गया। अगर हम इसको लाइट मोड, स्टिमुलस है यहाँ, लाइट पर अगर कर देते हैं, और देखिए लाइट पर करने के बाद जब इसको प्रेस करेंगे तो दूसरा स्टिमुलस इस चैम्बर के अंदर है, जो कि लाइट जलेगा। और लाइट जलने के बाद जितना हम इस पर सेटिंग करेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड 12.5 15, इस तरह से बना हुआ है, तो उसके बाद उसको शॉक लगेगा, उतने इंटरवल के बाद शॉक लगेगा। तो ये इसकी सेटिंग है। तो हम आपको लाइट भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से इस्तेमाल। तो यहाँ हम इसने लाइट पर कर दिया नोब को, और इसको हम प्रेस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ लाइट, यहाँ आप देख रहे हैं कि अंदर लाइट जल रहा है, इस चैम्बर में देखिए लाइट जल रहा है। तो ये स्टिमुलस है लाइट का। तो यहाँ जो है दो तरह के स्टिमुलस यहाँ बताया गया, साउंड और लाइट का। तो सिंपल इसका ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम आपके लिए इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर डिस्कस करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि रिस्पॉन्स दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है कंडीशनल रिस्पॉन्स और दूसरा कहलाता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये दोनों को पहले समझना है, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसा कि इसका नाम है कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसका मतलब है कंडीशन है, कंडीशन के आधार पर उसको शॉक लगेगा। तो कंडीशन यहाँ दो प्रकार के बताया गया है। ब्यूजर बजना एक कंडीशन है, ब्यूजर बजने के बाद एनिमल को शॉक लगेगा, तो ये कंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। उसी प्रकार लाइट जलने के बाद साउंड लगेगा, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्ट हम प्रेस करेंगे नॉब, और जितना देर तक प्रेस करेंगे मैनुअल मोड पर उतने टाइम तक बिना कोई कंडीशन, यानी बिना साउंड के और बिना लाइट के उसको शॉक लगेगा। इसको कहा जाएगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये क्लियर हो गया कि कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। अब हम चर्चा करते हैं जो मेन, जो हमारा इस ऑपरेटर्स का जो ऑब्जेक्टिव है कि इवैल्यूएशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। तो उसका रिस्पॉन्स देखिए क्या होता है, उसका इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन,
फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कि जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स लाइक क्लोरप्रोमाजिन वो जो है कंडीशनल एवॉइडेंस रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है, ये एक्शन होता है और इसी एक्शन के आधार पर इसका इवैल्यूएशन इस ऑपरेटर की सहायता से किया जाता है। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसी आधार पर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जो एंटी साइकोटिक ड्रग है वो कंडीशनल एवॉइडेंस रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है और अनकंडीशनल हुआ डायरेक्ट जो शॉक लग रहा है वो, तो अब ये प्रिंसिपल इसका हो गया। अब ऑपरेशन जो किया जाता है एक्सपेरिमेंटल एनिमल के द्वारा, तो सबसे पहले एनिमल जो माइस है चाहे रैट है उसे इस चैम्बर में डाल दिए और चैम्बर में डालने के बाद उसे शॉक दिया जाता है, चाहे किसी भी मोड पर शॉक दें, और शॉक देने के बाद उस शॉक से बचने के लिए एनिमल में अपने आप लर्निंग, कोई भी अगर समस्या प्रॉब्लम कठिनाई उत्पन्न होता है तो उससे बचने के लिए स्वाभाविक उसके अंदर जो है कि उससे हम संकट से कैसे बचें, तो उस संकट क्या है, शॉक। तो शॉक से बचने के लिए जब वो इधर उधर घूमेगा और वो बीच में लगा हुआ पोल पर चढ़ जाएगा, जैसे ही पोल पर चढ़ जाएगा तैसे उसे अनुभव हुआ कि अब हम सेफ हैं, सेफ्टी पॉइंट है, यहाँ हमें शॉक नहीं लग रहा है। जब इस बात को सीख लेगा तब ये माना जाएगा कि एनिमल का ट्रेनिंग पूर्ण हो गया, एनिमल का ट्रेनिंग पूर्ण हो गया। अब वहाँ जब ये चीज़ उसके दिमाग में लर्न हो गया, सीख गया, तब आप अगर उसे जो है जैसे ही आप ब्यूजर चाहे लाइट बजेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगा, ये कंडीशनल एवॉइडेंस रिस्पॉन्स है, उसके दिमाग में ये रहेगा कि जैसे ही आवाज़ चाहे लाइट जैसे ही जलता है तो उसके बाद हमें शॉक लगता है, तो जैसे ही लाइट जलेगा या साउंड जैसे ही उसको सुनाई देगा वैसे ही बचने के लिए शॉक से, कि उसे ये लर्न कर लिया है कि अब हमें शॉक लगेगा, तो पहले ही बिना शॉक लगने के पहले ही वो पोल पर चढ़ जाएगा, अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। तो ये हुआ। अब हम वन बाय वन जो है रिस्पॉन्स ड्रग के बारे में, तो सबसे पहले इससे पूरा करने के लिए तीन ग्रुप लिया जाता है, पहला ग्रुप में नॉर्मल एनिमल, दूसरे ग्रुप में जो है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसको दिया जाता है, और तीसरे ग्रुप में जो है जैसा हम बताया था कि कंपेयर भी कर सकते हैं सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग के साथ, तो तीन प्रकार के ड्रग लिया जाता है। पहले ड्रग में नॉर्मल सलाइन दिया गया, पहले ड्रग में नॉर्मल सलाइन दिया, तो नॉर्मल सलाइन देने के बाद दोनों मोड पर कंडीशनल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स के आधार पर शॉक लगाया जाता है और अनकंडीशनल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स के आधार पर शॉक लगाया जाता है। शॉक लगाने के पश्चात दोनों कंडीशन में वो जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, वो शॉक से बचने के लिए वो इस पोल पर चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब नॉर्मल स्लाइन जो है वो दोनों पॉजिटिव रिस्पॉन्स उत्पन्न करेगा। अब नेक्स्ट, अगर जो व्यक्ति ये प्रयोग कर रहा है अगर उसे ये नहीं पता है कि दूसरे ग्रुप वाले जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग है या सेडेटिव है, तो इसका भी इफेक्ट के आधार पर, एक्शन के आधार पर और रिस्पॉन्स के आधार पर पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर दूसरे ग्रुप जो एनिमल है उसको हम एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लोरप्रोमाजिन इंट्रापेरिटोनियल देंगे, इंट्रापेरिटोनियल देंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखिए उसे दोनों प्रकार का शॉक लगाया जाएगा, एक शॉक लगाया जाएगा कंडीशनल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। कंडीशनल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में क्या हुआ, कंडीशनल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में होगा कि जब ब्यूजर बजेगा चाहे लाइट होगा तो वो जो है जो पहले उसने सीखा था कि जैसे ब्यूजर लाइट बजेगा वैसे पोल पर चढ़ जाएगा, तो चूंकि ये ब्लॉक कर देता है, इस बिहेवियर को वो ब्लॉक कर देता है, इसलिए ब्यूजर बजने के बाद भी या लाइट जलने के बाद भी इस पोल पर नहीं चढ़ेगा। तो ये इसका जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग का ये एक्शन है, इस एक्शन के आधार पर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तीसरा ग्रुप है जिसको सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग दिया जाएगा, तो जो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग दिया जाता है उसमें क्या होगा कि वो चूंकि दोनों रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है, कंडीशनल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स को भी ब्लॉक करता है और अनकंडीशनल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स को भी ब्लॉक करता है, तो दोनों ही रीडिंग जो है नेगेटिव आएगा, मतलब दोनों रिस्पॉन्स वो उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस प्रकार तीनों ग्रुप के आधार पर जो है ये साबित हो जाता है कि दिया गया ड्रग जो है कौन सा
एंटी साइकोटिक ड्रग है और कौन सा ड्रग सेडेटिव हिप्नोटिक है। तो ये सिंपल एक मैकेनिज्म था जिसके आधार पर, इस अपरेटस के आधार पर एंटी साइकोटिक ड्रग का मूल्यांकन किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।